पंजाब में मर्दों को अब होशियार रहने के साथ साथ खबरदार भी रहना होगा, क्योंकि आ रहा है एक ऐसा कानून जिसमें खवातीन ने अपने तहफ्फुज का पक्का बंदोबस्त कर लिया है। बिल की मंजूरी के बाद खवातीन को मिलने वाले हैं कुछ ज्यादा ही इख्तियारात। खवातीन से मामूली सी छेड़छाड़ भी मर्दों को नाकों चने चबवा देगी। सिंफ नाजुक की मामूली सी शिकायत मर्द हजरात को जेल की यात्रा के साथ साथ जिस्म में ट्रैकर भी लगवा सकेगी, और तो और तनख्वाह भी अब खवातीन से शेयर करना होगी। खवातीन को बाइख्तियार बनाने वाले बिल में और क्या कुछ है, मियां असलम से जानते हैं। पंजाब असेंबली की सोशल वेलफेयर कमेटी में क्या कुछ होता रहा। मर्द अब हो जाए होशियार, बल्कि बहुत ज्यादा खबरदार, क्योंकि खवातीन से छोटी मोटी छेड़छाड़ भी अब काफी गले बढ़ सकती है। अब किसी लड़की की तरफ जरा सी भी मैली आंख से देखा तो जिस्म में ट्रैकर लग सकता है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। पंजाब की खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए ऐसा कानून आ रहा है जिससे उन्हें मिल जाएंगे ढेरों ढेर इख्तियारात। अब औरतें होंगी बाइख्तियार और मर्द हो जाएंगे तहफ्फुज़ात का शिकार। सड़कों, पार्कों और किसी भी शोभा में काम करने वाली खवातीन को किसी भी मर्द ने जरा सी भी हैंकी बैंकी की, बस फिर क्या, कानून जाने। और वो कंवारे तो कंवारे, शादीशुदा मर्दों के लिए भी इस कानून में कोई अच्छी खबर नहीं है। अब वो अपनी बीवियों से तनख्वाह नहीं छुपा सकेंगे, उन्हें अपनी आमदनी में से अच्छी खासी रकम बीवी को देना पड़ेगी, और अगर ऐसा ना किया तो मर्द की तनख्वाह बीवी के अकाउंट में भी जा सकती है। पंजाब असेंबली की सोशल वेलफेयर कमेटी ने इस कानून की मंजूरी दे दी है और कानून बनने के लिए इसे पेश किया जाएगा असेंबली के इजलास में, जहां इसकी हतमी मंजूरी हो गई तो फिर खैर नहीं। समझ तो गए ही होंगे। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।